आप देख रहे हैं वैदिक टीवी, राधे राधे, और मैं हूं आपके साथ मेघा। सूर्यास्त के बाद बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपको नहीं करने हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप दान करते हैं वो भी सूर्यास्त के बाद, तो आपकी जेब पे भारी असर पड़ सकता है। आपको किन बातों का ध्यान रखना है अगर आप सूर्यास्त के बाद दान करते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है किसी इंसान को दान देने या फिर जरूरत के समय उसकी मदद करने से व्यक्ति को आंतरिक प्रसन्नता तो मिलती है, साथ ही भगवान की कृपा भी उस पर बन जाती है। लेकिन कई बार आसपास के लोग कुछ जरूरत का सामान लेने आ जाते हैं और हम उनकी जरूरत का वो सामान उन्हें देने से मना नहीं कर पाते। धार्मिक मान्यता है कि दान देने का भी सही समय होता है और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, और इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आपको गलत समय पर दान देना मुश्किल में डाल सकता है। जानते हैं सूर्यास्त के बाद किन चीजों का दान आपको नहीं करना है। शास्त्र कहते हैं कि दान देने से पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन सूर्यास्त के बाद आपको इन चीजों का दान नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जेब पर भारी असर पड़ सकता है। कौन सी हैं वो चीजें, आइए जानते हैं। उधार लेन देन। शास्त्र बताते हैं कि सूर्यास्त के बाद किसी से उधार लेन देन भूलकर भी ना करें। ऐसा कहा जाता है कि शाम के समय दूसरों से लिए गए पैसों से अगर आप कोई भी काम करते हैं तो वो सफल नहीं होता। इतना ही नहीं दोस्तों, शाम के समय उधार लिए पैसों से दूसरों की नेगेटिविटी भी आपके पास आ जाती है। दूध दही का दान। सिर्फ पैसे ही नहीं, ये भी मान्यता है कि दिन ढलने के बाद आपको दूध से बनी किसी भी चीज का आपको दान नहीं करना है, आपको दूध का भी दान नहीं करना है। दूध का संबंध चंद्रमा और सूर्य से बताया गया है, वहीं दही का संबंध शुक्र से है। सूर्यास्त के बाद दूध और दही के दान से घर की जो पॉजिटिविटी है, घर में जो आपके पैसे हैं वो सब चले जाते हैं और जीवन में जो सुख समृद्धि है वो भी कम होने लगती है। लहसुन और प्याज का दान। सूरज छुपने के बाद अगर आपके पड़ोसी आपसे लहसुन या फिर प्याज मांगने आते हैं तो भूलकर भी इन चीज़ों को उन्हें ना दें। ज्योतिष में बताया गया है कि लहसुन और प्याज का संबंध केतु से होता है। केतु को ऊपरी ताकत का स्वामी कहते हैं, वही जो भूत प्रेत होता है, काला जादू, टोना टोटका होता है। सूर्यास्त के बाद अगर आप लहसुन और प्याज का दान करते हैं या किसी को देते भी हैं तो ये काफ़ी अशुभ माना जाता है। दोस्तों, यहाँ पे जो आपको जानकारी दी गई है वो मान्यताओं पर और धार्मिक चीज़ों पर आधारित है। वैदिक टीवी इस वीडियो में बताई गई बातों की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। वैदिक टीवी में फिलहाल इतना ही। राधे राधे।